हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले किस तरीके से आप 3ds Max में अल्फाबेटिक कर्व वॉल डिजाइनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ओपनिंग डिजाइन भी करने वाले हैं। इसमें आप इस तरीके का जो वॉल है डिजाइन करने के लिए हम एडिट स्प्लाइन वगैरह यूज करने वाले। आप चाहे तो इस तरीके का डिजाइन एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम एक अल्फाबेट वगैरह यूज किया है, बाकी किस तरीके से सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डी शेप लिया हुआ है हमने एक टेक्स्ट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा। रेक्टेंगल हम क्रिएट कर रहे फ्रंट व्यू से क्रिएट कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने से पहले आप चाहे तो यहां से स्नैप्स वगैरह ऑन कर सकते हैं। स्नैप ऑन करने से क्या होगा, आप एक परफेक्ट रेक्टेंगल यहां पर क्रिएट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब रेक्टेंगल क्रिएट जैसे हो जाएगा आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर हम इसको एडिट स्प्लाइन में कन्वर्ट करेंगे। पर जो रेक्टेंगल है वो सेलेक्ट करना होगा। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहां पर शेप ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक शेप्स क्रिएट कर देंगे ताकि जो हमारा मेन यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो सके। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक अल्फाबेटिक वॉल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डिज़ाइनिंग करने के लिए हम टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक डी अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं। तो इसी शेप का यूज़ करते हुए हम क्या करने वाले, एक अल्फाबेटिक वॉल डिज़ाइन करने वाले। तो सबसे पहले हमने, जैसे कि हमें एक अल्फाबेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डी हमने इसीलिए लिया ताकि यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आप चाहे तो बाकी भी जो अल्फाबेट्स है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो शेप्स है उसको परफेक्टली यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लेस करना होगा। जैसे प्लेस कर देंगे हम क्या कर रहे हैं, इसको एडिट स्प्लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एडिट स्प्लाइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एडिट स्प्लाइन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम इसको अटैच कर सके। तो अभी अटैच होने के बाद एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, इतना जो पोर्शन अनवांटेड जो यहां पर पोर्शन है वो आपको उसमें से डिलीट करना होगा। तो किस तरीके से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, हम क्या करने वाले, ट्रिम का यहां पर ट्रिम टूल का यूज करने वाले। उतना पोर्शन को हमें डिलीट करना होगा, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन को। तो स्प्लाइन में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन अब यहाँ से डिलीट हो चुका है। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। बट अगर एक्सट्रूड करेंगे तो उतना पोर्शन हॉलो हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो टू वर्टेक्स है यहाँ पर आपको सबसे पहले वेल्ड करना होगा। वेल्ड यानी कि वेल्ड करेंगे तो एक टोटल ये सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटली ड्रैग कर देना होगा और फ्यूज़ एंड आप क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। फ्यूज़ और वेल्ड करेंगे तो उतना पोर्शन वेल्ड हो जाएगा, और एक्सट्रूड कर देखेंगे तो ये टोटली यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप एक सिंपली क्या कर सकते हैं, मॉडिफायर हम अप्लाई कर देते हैं। एक्सट्रूड मॉडिफायर आप जैसे अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, हमने इतना पोर्शन हमने क्या कर दिया है, टोटली क्रिएट कर दिया है। जो भी अल्फाबेट हमें चाहिए था वो हमने क्रिएट यहाँ पर कर दिया है। अब आपको क्या करना होगा, हमें अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग और सर्कुलर ओपनिंग भी क्रिएट करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ये जो एक्सट्रूड है इसका हमें ऑफ कर देना होगा। एक्सट्रूड ऑफ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एडिट स्प्लाइन में जाते हुए यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सट्रूड ऑफ कर दे रहे हैं, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्प्लाइन के अंडर में हम एक रेक्टेंगल और एक सर्कल हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, शेप्स में जानते हुए आप क्या कर सकते हैं, एक सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर शेप्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे, तो शेप्स क्रिएट करने के बाद अगर आप डायरेक्ट एक्सट्रूड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फिर एक बार यहाँ पर अटैच करना होगा, ताकि ये जो भी हमने यहाँ पर डिजाइनिंग क्रिएट किया था बाई यूजिंग अल्फाबेट एंड रेक्टेंगुलर, उसके बाद हमने ट्रिम किया था, इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जितना भी दो रेक्टेंगुलर है और सर्कल है उसको एक सिंगल एंटिटी में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सिंगल एंटिटी में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सिंपली आपको क्या करना होगा, जो टोटली हमने जो शेप्स बनाया उसका स्प्लाइन में जाने के बाद, तो यहाँ पर आपको एक अटैच मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ये टोटली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इसको एक्सट्रूड करेंगे तो एकदम परफेक्ट वे में यहाँ पर हमारा एक अल्फाबेटिक कर्व वॉल विथ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर ओपनिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको एक इंटीरियर में भी, इंटीरियर वॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी चाहे तो एक्सटीरियर एलिवेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि CNC जाली वगैरह आप इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो इंटीरियर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लुक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक अल्फाबेटिक कर्व वॉल क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि टीवी यूनिट है उसमें अगर आपको ये इतना पोर्शन बताना है, तो आप सिर्फ इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए नहीं, आप अगर एक टीवी यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं तो सेम मेथड से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जितना हमें हाईलाइट करना है उतना पोर्शन हमने रख दिया है, बाकी को हमने डिलीट कर दिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रेंडरिंग में यहाँ पर आपको चेक कर देना होगा और रेक्टेंगुलर से लेंथ एंड विड्थ वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन को आप चाहे तो व्हाइट कलर भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली जितना हॉलो पोर्शन है, जितना ओपनिंग पोर्शन है, उसमें हम प्लेस कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, एक हाईलाइटर का भी काम करेगा और दिखने में भी बहुत ही अच्छा इसका लुक दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटीरियर में भी इस तरीके का जो बॉर्डर है आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक हाईलाइटर टाइप में भी दिख जाएगा और फिनिशेस वगैरह भी एकदम बेहतरीन तरीके से दिखेगा। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एक अल्फाबेटिक कर्व वॉल डिज़ाइन कर सकते हैं 3ds Max में और ओपनिंग किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। आप बाकी भी जो अल्फाबेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिससे आप एक अलग तरीके का डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अगर आप 3D मॉडल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप get3dmodel.com से ये पर्टिकुलरली हमारा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आपके प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और बाकी सारे भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।